नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल इट्स पॉसिबल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 18 फरवरी 2018 को ली थी। दोस्तों, जो पेपर आया था, अगर पेपर की बात करें तो काफी असमंजस की स्थिति थी, और उससे बड़ी असमंजस की स्थिति आज जो आयोग है उसने पैदा कर दी है। यानी कि अगर बात करी जाए तो 21 फरवरी को जो घोषित करी गई है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी, उसमें अगर आयोग की बात करें तो आयोग के ऊपर बहुत ही बड़ा धब्बा लगा है दोस्तों, क्योंकि जो उन्होंने काफी प्रश्न जो गलत बताए हैं उस उत्तर कुंजी के अंदर। यानी अगर जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोस्तों काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सारी बुक्स वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो वह सही थे, लेकिन आयोग ने जो घोषित करे हैं यानी आयोग ने जो बताए हैं वह काफी गलत बताए हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें कि जो अभ्यर्थी यानी लाखों अभ्यर्थी जो कि परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थी, उनको गलत उत्तर कुंजी देकर जहां पर असमंजस की स्थिति में डाल दिया है, और काफी अभ्यर्थी अभी भी यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो हाल ही में अभी उज्जैन के अंदर एक युवा ने एमपीपीएससी के एग्जाम के बाद में आत्महत्या कर ली थी। और इसी प्रकार से अगर बात करें दोस्तों तो काफी अभ्यर्थी अभी भी डिप्रेशन में है, क्योंकि सालों की तैयारी करते हैं और उसके बाद में आयोग द्वारा इस प्रकार की गलती की जाती है। आयोग में बैठे हुए बड़े बड़े पदाधिकारी जिन लोगों को काफी एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद इस प्रकार की गलती करते हैं, तो साफ कहना यही होता है कि क्या वहां उन्होंने दारू पीकर पेपर सेट करा था या भांग खाकर उन लोगों ने यह उत्तर कुंजी दी है। यानी कुछ असमंजस की स्थिति, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। तो दोस्तों, अभी जो चर्चाओं का विषय है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों को अपनी अपनी यूनिटी बनाकर इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो आयोग इस प्रकार की गलतियां आगे बहुत ही करता रहेगा। अगर बात करते हैं दोस्तों तो कालिका पुराण जैसा जो क्वेश्चन था, अगर SC ST एक्ट में जो मटेरियल था एनुअल रिपोर्ट का, उसकी बात कर लें, यानी कि जो वुमेन्स थी, जो महिलाएं थी MP विधानसभा में, इस प्रकार का जो क्वेश्चन था जो कि शुंग राज्य से अगर जो क्वेश्चन आया था। फिर बात करते हैं भारत छोड़ आंदोलन की, और जो इकोनॉमी प्लान था, और MP का जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, इस प्रकार की जो भी इनके प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए हैं काफी गलत हैं। और अगर बात करी जाए तो राज्य व सीट के अंदर जो उन्होंने भेज दो कलम दिया था उसमें भी काफी गलती उन्होंने बताई है, और अटल ज्योति योजना का भी क्वेश्चन काफी, मतलब जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं वह काफी गलत हो रहे हैं। इस प्रकार से अगर बात करें तो करीबन 10 क्वेश्चनों के अंदर इस प्रकार से देखा जाए तो काफी गलती बताई गई है, यानी कि जो आंसर शीट आई है उसमें काफी गलती है इन चीजों के ऊपर। तो दोस्तों, यही बात है कि अगर अभ्यर्थी आज अगर ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे तो इस प्रकार से आयोग जो है वह अपनी गलतियां करते जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो के अंदर यही आप लोगों से निवेदन है कि बिल्कुल शिकायत करें, और बिल्कुल कहीं ऐसा मौका ना छोड़ें कि आयोग को इस प्रकार की गलती करें और उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़े।